मुझे आसमा से हमारे बारे में बात करनी चाहिए कि सबके बाद सिर्फ बच्चों के लिए हम साथ रह सकते हैं। क्या मुझे अरमान से बात करनी चाहिए? क्या उसे अभी बताना हानिया के बारे में सही होगा? अरमान, मुझे कुछ कहना है तुमसे। बोलो आसमा। की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जर्मान और आसमा हैं जैसे तैसे सिम्मी से अपना पीछा तो छुड़वा लेते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अब इनकी जिंदगी में रण विजय आ चुका है। आखिरकार उसका मकसद क्या है, यही बात जानने के लिए आसमा भी उससे बातचीत करती है और कहती है, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते तुम चाहते क्या हो? तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे पति पत्नी ने मिलकर मारने की कोशिश की थी ना, तो इसीलिए अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा, बदला तो मैं जरूर लूंगा। ऐसे में रणविजय के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत अच्छा रैप करते हैं, बच्चों को खुश भी करते हैं। अरमान भी कहता है, जो तेरा काम है रैप वैप करने का वो करना, मेरे मुंह मत लग। अरमान और रणविजय की बॉन्डिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि इनका जो नाता है बहुत अच्छा है और वहीं पर पुराना भी है। दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि रणविजय आखिरकार करने क्या वाला है, या सिर्फ वो पागल बना रहा है अरमान और आसमा का, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता कि वो किसी बड़े मकसद से आए हैं। लेकिन हो ना हो, शो में उन्हें डाला गया है तो एक धमाकेदार ट्विस्ट के लिए ही डाला गया है। कमेंट सेक्शन में अब आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।